गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू फाइन एंड सेफ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अ मैथ सब्जेक्ट। इन मैथ सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू लेसन। न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगी। जैसे कि पहली चीज ये पूछना चाहूंगी, जो प्रीवियस क्लासेस में होमवर्क जाता है और जो वीडियोस जाता है वो आप लोग देखते हैं ना? वेरी गुड, देखते हैं। देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं ना? कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग को बच्चों पता नहीं चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। देखने से क्या होगा, आप लोग जब वीडियो देखेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो इससे आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। ओके बच्चों, सब लोग अपना होमवर्क क्लास वर्क डेट वाइज डाल के अपनी कॉपी में लिखिए, और जब स्कूल खुलेगा तो कॉपी तो चेक भी होनी है। वेरी गुड। दूसरी बोलना चाहते हैं बच्चों कि जिस जिस बच्चों ने अभी तक कॉपी एंड बुक्स परचेस नहीं किए हैं, वो अपनी मम्मी पापा से जल्दी से कह के बुक एंड कॉपी परचेस कर लीजिए जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का लेसन हमारा क्या है? तो आज हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? लेसन फोर। लेसन फोर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेसन वन टू थ्री, वन टू थ्री आप लोग का लेसन कंप्लीट हो गया है। उसको आप लोग को रोज रोज रिवाइज करना है। रिवाइज करने से ये होगा कि आप लोग उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि सारे लेसन टेस्ट में और एग्जाम में आएंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग आज कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? लेसन फोर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। क्योंकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। और सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है बच्चों? कैसे हम लोग पता करते हैं कि सब्ट्रैक्शन होगा? सब्ट्रैक्शन का साइन ये होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको माइनस बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बच्चों दो तरीके से होता है, एक हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन, दूसरा वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन इस तरीके आता है लाइन वाइज, और वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कैसे आता है? ऐसे खड़ा खड़ा। समझ में आया आप लोग को बच्चों? और बच्चों सब्ट्रैक्शन भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होता है? एक विदाउट बोरोइंग, एक विद बोरोइंग। विदाउट बोरोइंग मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी उधार नहीं लेते हैं। विद बोरोइंग मतलब क्या होता है? जिसमें उधार लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं विद बोरोइंग क्या होता है एंड विदाउट बोरोइंग क्या होता है। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग का क्या है बच्चों? और मैंने आपको ये भी बताया था ना कि सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? सब्ट्रैक्शन हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है। बट इस वाले सब्ट्रैक्शन में वर्टिकल सब्ट्रैक्शन एंड हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन में लिखने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा। ठीक, चलिए जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाया है हॉरिजॉन्टल में, वही एग्जांपल मैंने वर्टिकल में भी समझाया है। ठीक, तो आप ये दोनों एग्जांपल से समझ जाएंगे हॉरिजॉन्टल में कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड वर्टिकल में कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक, चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं क्या है। पहला एग्जांपल हमारा क्या है? 326 में कितना माइनस करना है? 114। इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे एंड वर्टिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग वहां देख रहे हैं ना कि वर्टिकल फॉर्म में कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्टिकल फॉर्म में राइट साइड से स्टार्ट होता है, और हमेशा ऊपर के नंबर से नीचे के नंबर को माइनस करते हैं। और ऊपर हमारा क्या है यहाँ पे? 6 है। तो हम लोग यहाँ पे पहले किससे माइनस करेंगे? वेरी गुड, 6 से 4 को माइनस करेंगे। तो पहले कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, उसमें से कितना कट करना है? 4 कट करना है। 1 2 3 4, अब कितना बच रहा है? 1 2, तो यहाँ पे 2 राइट करेंगे। समझ में आया बच्चों आपको? वेरी गुड। अब देखेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था ना बच्चों, वंस में वंस, टेंस में टेंस, 100 में 100 को माइनस करते हैं, है ना? अब दूसरा क्या है बच्चों? टेंस है, ये भी टेंस है। तो टेंस में टेंस को माइनस करेंगे तो यहाँ पे पहले कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2, 2 में से कितनी लाइन को कट करना है? 1 लाइन को कट करना है। 1 कट किए तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे। ठीक, लास्ट वाला देखेंगे क्या है। लास्ट वाला है 3 3 में कितना माइनस करना है? 1 माइनस करना है। तो पहले कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 3 लाइन। 1 2 3, 3 में कितना लाइन कटना है? 1 लाइन कट करना है। 1 कट कर दिए, यहाँ पे कितना बचा? 1 2, यहाँ पे 2 राइट
कर देंगे। ठीक, अब इसी फॉर्म को हम वर्टिकल फॉर्म में करेंगे, कैसे देखिए। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में इस तरीके लिखते हैं, वर्टिकल में इस तरीके लिखते हैं, ठीक। और वर्टिकल में कहाँ से स्टार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल में भी राइट से स्टार्ट होता है और वर्टिकल में भी राइट से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सिक्स में से कितना कट करना है बच्चों, फोर कट करना है, 1 2 3 4, कितना बचा, 1 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 में से 1 जाएगा 1 लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 लिखेंगे, 212 यहाँ पे भी आया, 212 यहाँ पे भी आया, समझ में आया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एंड वर्टिकल फॉर्म में अंतर, वेरी गुड। सेकेंड देखिए, क्वेश्चन सेकेंड में क्या करना है, 698 में माइनस कितना करना है, 329। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरीके है, वर्टिकल फॉर्म में इस तरीके है। सबसे पहले हम वर्टिकल फॉर्म को सॉल्व करेंगे। आप देखिए, मैंने आपको बताया था ना, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं ना, तो अब यहाँ पे देखिए 8 छोटा है और 9 बड़ा है, तो क्या करेंगे, बगल वाले से एक बोरोइंग ले लेंगे। बोरोइंग मतलब क्या होता है, उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 9 था, इसने एक इसको दे दिया, यहाँ पे कितना बचा, उसको कट करके ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे 8 बचा, समझ में आया। अब 18 में से 9 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 में से 3 कट करेंगे, समझ में आया। इसी तरीके यहाँ पे भी करेंगे, 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 18 में से 9 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा। तो सबसे पहले 18 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना कट करना है बच्चों, 9 कट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखेंगे कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 राइट कर देंगे, समझ में आया। अब 8 में से 2 कट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कट करना है, 2, 1 2, कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक। 6 में से कितना कट करना है, 6 में से 3 कट करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितना कट करना है, 3 कट करना है, 1 2 3, कितना बच रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 3 राइट कर देंगे। यही सेम आंसर बच्चों यहाँ पे भी आएगा, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, समझ में आया। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 हमारा क्या है, 700 subtract 596, मतलब 700 में से 596 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे वर्टिकल फॉर्म में, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इधर आएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब आप लोग सोचेंगे, मैम ने बोला है बड़े नंबर से छोटे नंबर को करने के लिए, तो यहाँ तो 0 आ गए, यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले 7 से उधार लेंगे इधर वाले 0 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 7 था, एक उधार उधार दे दिया, तो यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ पे 10 हो गया ना, ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा हो गया ना, अब 10 में से एक नंबर उधर उधार दे देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए, 10 में से 6 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, सारे ऊपर के नंबर बड़े हैं ना, इसी तरीके यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले एक नंबर इसको उधार देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 में से एक नंबर इसको उधार देंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब सारे ऊपर के नंबर बड़े हो गए और नीचे के नंबर छोटे हो गए, 10 में से 6 माइनस करना है, 9 में से 9 माइनस करना है, एंड 6 में से 5 माइनस करना है। तो सबसे पहले 10 में से 6 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना माइनस करना है, 6 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, कितना बच रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 राइट कर देंगे, ठीक। 9 में से 9 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना कट करना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो यहाँ पे 9 में से 9 गया तो 0 आ गया। समझ में आया? देखो इसे कितना कट करना है, अब 6 में से 5 कट करना है। 1 2 3 4 5 6 कितना कट करना है, 5। 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितना बच रहा है बच्चों, 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। अब देखिए कितना आया, 700 में से 596 माइनस करे हैं तो 104 आया। वही चीज यहाँ पे भी आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, एंड 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब समझ में आया आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसी टॉपिक पे आज हम आपको क्लास वर्क कराते हैं। चलिए देखते हैं क्लास वर्क क्या है। क्लास वर्क क्या है बच्चों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, क्लास डालना है, डेट डालना है 9/7/2020, फिर क्या डालना है, लेसन 4 सब्ट्रैक्शन, फिर उसके नीचे आप लोग को हेडिंग डालना है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मतलब इस तरीके से आप लोग को नंबर दिया रहेगा और आप लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया? आप लोग को मैंने बताया था ना एक लाइन में दो दो सब्ट्रैक्शन लिखना है ना, उसी तरीके आप लोग भी एक लाइन में दो दो सब्ट्रैक्शन लिख के अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में लिखिएगा, और एक बॉक्स में एक डिजिट लिखना है, बताया था ना मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में, वेरी गुड, उसी तरीके से आप लोग भी राइट करिएगा। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, 5 में से 3 को कट करना है, तो 1 2 3 4 5, 5 में से कितना कट करना है बच्चों, 3 कट करना है, 1 2 3, यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 2, यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। समझ में आया? अब देखेंगे 9 में से 7 माइनस करना है, 9 में से 7 माइनस करना है तो 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पे कितना है, 7 है तो 7 लाइन कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 2। अब देखेंगे 4 में से 2 माइनस करना है, 1 2 3 4, कितना माइनस करना है, 2, 1 2, कितना बच रहा है, 1 2, यहाँ पे 2 राइट करेंगे। ठीक होंगे ना बच्चों, ऊपर के सारे नंबर क्या है, बड़े हैं, और नीचे के सारे नंबर छोटे हैं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या नहीं किया, यहाँ पे हम लोग ने बगल वाले से उधार नहीं लिया। ये हम लोग का कौन सा सब्ट्रैक्शन है, ये हम लोग का विदाउट बोरोइंग सब्ट्रैक्शन है। समझ में आया? जैसे कि मैंने अभी आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है ना, वैसे ही ये भी है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 876 में 134 को माइनस करना है, तो सबसे पहले 6 में से 4 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितनी लाइन कट करना है, 4, 1 2 3 4, कितना बच रहा है, 1 2, यहाँ पे 2 राइट करेंगे। अब देखेंगे कितने में से कितना माइनस करना है, 7 में से 3 माइनस करना है, 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 लाइन कट करना है, 1 2 3, कितना बच रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 राइट करेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कौन सा है बच्चों, 712 में 204 को माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बगल वाले से एक उधार ले लेंगे, तो बगल वाले के पास एक नंबर है तो एक नंबर उधार ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 था, 1 इसको उधार दे दिया तो यहाँ पे 0 हो गया। अब 12 लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 12 बड़ा हो गया और 4 छोटा हो गया, अब 12 लाइन ड्रॉ करके 4 नंबर को कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना कट करना है, 4 कट करना है, 1 2 3 4, कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 राइट कर देंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 क्या है, छोटा है, और 9 बड़ा है, तो 4 से बगल वाले से उधार लेंगे। अब देखेंगे इसके पास तो पहले से ही 0 है, तो 0 है तो क्या करेंगे, उसके बगल वाले से उधार लेंगे, उसके बगल वाले से उधार लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 था, 1 इसको दे दिया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब 10 इसके पास हो गया है, तो 10 में से 1 नंबर इसको दे देंगे, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए सारी ऊपर के नंबर्स बड़े हो गए ना, अब 14 में से 9 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना माइनस करना है, 9
प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखेंगे कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 राइट कर देंगे। अब 9 में से 0 जाएगा, मतलब 0 को तो कोई नंबर नहीं होता है, तो 9 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, समझ में आया। अब 5 में से 5 जाएगा, 5 है, 5 में से पूरा 5 कट कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 0 बचेगा, वेरी गुड। अब आप लोग को समझ में आ रहा है ना अच्छे से, वेरी गुड। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 830 में से 298 को माइनस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 8 बड़ा है और 0 छोटा है, तो क्या करेंगे, बगल वाले से एक बोरो लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 था, एक नंबर मैंने इसको उधार दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। अब 10 में से 8 कट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बच रहा है, 1 2, तो यहाँ पे 2 राइट करेंगे। अब देखेंगे 2 छोटा है और 9 बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, बगल वाले से एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे 12 में से 9 माइनस करेंगे, 12 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी लाइन को कट करना है, 9 लाइन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बच रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 राइट करेंगे, ठीक। अब कितना कट करना है, 7 में से 2 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना कट करना है, 2, 1 2, कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 राइट कर देंगे, समझ में आया आप लोग को, वेरी गुड। आप लोग अपना क्लास वर्क और होमवर्क डेट वाइज डाल के सब लोग कॉपी में अच्छे से करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के होमवर्क पे, देखते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। तो आज आप लोग का होमवर्क क्या है, आज आप लोग का होमवर्क जो कि मैंने अभी क्लास वर्क में पढ़ाया है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, हेडिंग सेम है बस नंबर उसका चेंज रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग को क्या मेंशन करना है, होमवर्क मेंशन करना है, डेट डालना है 9/7/2020, हेडिंग डालना है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसके बाद क्वेश्चन लिख के उसको अपने से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। पहला होमवर्क ये है, दूसरा होमवर्क है राइट द एडिशन टेबल ऑफ 1 एंड 2, 1 एंड 2 की एडिशन टेबल अच्छे से लर्न करके लिखना है, ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।